बच्चों, कल रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि थे उनके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी गई आपके पास में है, किताब में है। और उन्होंने जो पूर्वा लिखा, पूर्वा उर्वशी, तो उर्वशी उनकी एक रचना है, उसी से लिया गया है। छोटा सा भाग देकर के दो शीर्षक दिए गए, पूर्वा और उर्वशी। तो हम आपको बता रहे हैं कि पूर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। पूर्व का उर्वशी का अगर अर्थ लिया जाए तो पूर्व माने हृदय, वशी माने मस्तिष्क। तो पूर्वा में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक तो भौतिक सुख भी चाहते हैं और आध्यात्मिक सुख भी चाहते हैं। तो कल ये चर्चा हो रही थी कि भाई एक साथ दोनों चीजें नहीं मिल सकती। आप सोचिए जरा, एक साथ दोनों चीजें नहीं मिल सकती है ना, एक ही चीज को पकड़ना पड़ेगा। तो पूर्वशी ने बताया कि मैं कौन हूं। अब पूर्वा तो कहते हैं असहाय हो जाए, पुरुष जो है एक कोमलांगी स्त्री के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है, जैसे कोई वीर पुरुष जब ऐसे मुसीबत में फंस जाता है तो अपने युद्ध का जो सारा सामान है वो रख करके नतमस्तक हो जाए। वही स्थिति राजा पुरूरवा की। तो उसी के आगे आज ये पाठ शुरू हो रहा है, इसमें वीडियो के माध्यम से देखेंगे, किताब में भी अवलोकन करेंगे। पुरूरवा और उर्वशी के कथन दिनकर जी की रचना उर्वशी से संकलित है। दिनकर विरचित उर्वशी 5 अंकों में समाप्त होने वाला एक काव्य रूपक है, जिसका मूल भाव है प्रेम। पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की। उनके माध्यम से दिनकर जी ने काम की समस्या को उभारा है। पुरूरवा द्वंद में है, वो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णत्व करना चाहता है, जो संभव नहीं है। इसके विपरीत उर्वशी भोग युक्त मानवी रूप में चित्रित है और उसका प्रेम विशुद्ध इंद्रिय भोग का प्रतीक है। दोनों के मनोभाव और चारित्रिक विशेषताएं यहाँ लक्षित है, लिखी हुई है। देखिए, पुरूरवा कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता। अंकुश तो जानते होंगे, अंकुश किसे कहे, अंकुश किसे कहे, हाथी को देखा है ना। हाथी जो होता है, हाथी को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है, उसको महावत कहते हैं, जो पीलवान भी कहते हैं। तो महावत क्या करता है, उसके हाथ में लोहे का एक कांटा होता है, बना होता है, ऐसे टेढ़ा भी होता है, सीधा भी होता है। उसी के सहारे उसको कहते हैं अंकुश, उसी के सहारे से उसको। और अंकुश का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अनुशासन, अनुशासन करने, अनुशासित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो उनको कहते हैं अंकुश। तो पुनर्वा कहते हैं, कौन है अंकुश, मैं भी नहीं पहचानता हूं। मेरे ऊपर कौन सा अंकुश है, कौन सा अनुशासन लग रहा है, इसकी मुझे पहचान नहीं है, इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, सरोवर कहते हैं तालाब। तो तालाब के किनारे कोई व्यक्ति हो और उसका गला सूख रहा, कंठ में जो जल रही है, यानी वो अत्यंत प्यासा व्यक्ति है और सरोवर के तालाब के किनारे खड़ा है लेकिन पानी नहीं पी रहा, ये कौन सा अंकुश है, कौन सा कारण है। पुरूरवा कहते हैं, उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। वो जो प्यास लगी है, तृषा माने प्यास, वेदना जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है प्यासे होने के कारण, वो तो मुझे पहचान है, उसको जानता हूं मैं अच्छी तरह से, लेकिन पानी मैं नहीं पी रहा हूं, इसका कारण क्या,
ये कौन सा अंक है? आगे कहते हैं सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहां। जैसे समुद्र में तमाम लहरें उत्पन्न होती है जहां तहां सहज महज कर देती है, उसी प्रकार मेरे बाद भी अतुलित शक्ति है, बल है। क्यों, कितना बल है, लेकिन वो बल कहां है? गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। सब जगह दसो दिशाओं में मेरी जय जय घोष होती है, जय जयकार लोग करते हैं। और उस अटल उस संकल्प का संबल कहां है? अटल और संकल्प प्रतिज्ञा का संबल सहारा वो कहां है? ये शिला सा वक्ष, शिला माने पत्थर, वक्ष माने सीना, चट्टान सी मेरी भुजाएं, मेरा सेना सीना कैसा है, पत्थर के समान है, भुजाएं कैसी हैं, शिला के समान पत्थर के समान है, बड़ी कठोर है। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है समुन्नत भाल, तो मेरा दसों दिशाओं में मेरे मस्तक के द्वारा जो मैंने अपने विचार के द्वारा जो राज्य में लागू किया है वो सब जगह अपने आप लोग उसको जान जाते हैं। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उछल है, मेरा प्राण कहा है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। वनराज कहते हैं सिंह, सामने टिकते नहीं वनराज, बड़े बड़े शेर भी मेरे सामने आ जाते हैं वो भी नहीं टिक पाते, उनसे भी मैं दो दो हाथ करता हूँ, उनको भी पछाड़ देता हूँ। पर्वत डोलते हैं, ये पर्वत भी मुझको देख करके कांपने लगते, हिलने डुलने लगते। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, ब्याल माने सर भी होता है, ब्याल माने काल भी होती है, ब्याल माने मृत्यु भी होती है। तो मृत्यु जो है, जिस प्रकार सांप कुंडली मार के बैठ जाता है समय आने पर सर बैठता है ना, उसी तरह मेरी जो मृत्यु है वो भी मेरे आगे सर्प की तरह भयभीत होकर कुंडली मार कर बैठ जाती है, कुछ भी कुछ नहीं मिलता। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मेरी भुजाएं जो है उनमें वायु, मारुत माने हवा, गरुण, गरुण कौन है, वाहन है, किसका है, भगवान विष्णु का, गजराज का बल है, गजराज नासिक कहते हैं, इतनी मेरी भुजाओं में शक्ति, और इन भुजाओं की शक्ति के द्वारा जानते हैं कि बड़े बड़े सिंहों को मैंने जो है पराजित कर दिया, बड़े बड़े पर्वत जो है मेरे सामने वो हिलने डुलने लगते हैं मुझे देख करके ही, मेरी गर्जना को सुन करके। तमाम ऐसी स्थितियां होती हैं। और जिस प्रकार सर्प कुंडली मार करके घेरा बना करके बैठ जाता है, उसी प्रकार मृत्यु भी मुझे देख करके कांपती है और वो एक किनारे कुंडली मार करके बैठ जाती है। और मेरी भुजाओं में वायु में बहुत शक्ति होती है, वायु जब तीव्रगामी तूफान चलता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उखाड़ देता है, बड़े बड़े पौधों को उखाड़ के फेंक देता है। इस तरह से गरुण जो सर्पों का शत्रु है, सर्पों का भक्षक है, भक्षक है, उसका भक्षण करता है, और गजराज का बल है, हाथी की शक्ति मेरे भुजाओं में है, मैं इतना शक्तिशाली हूं। लेकिन ये शक्ति कहाँ है, और शक्ति के रहते हुए मैं निरुपाय क्या हो जाता हूं? पुरुष शक्ति के रहते हुए, ताकत के रहते हुए भी
उसकी एक नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? कल हम अगले दिन इसी वीडियो के माध्यम से जो इस पुनरुवा का पार्ट बचा हुआ है उसको हम इसकी प्रस्तुति आपको अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।